बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम लड़कों के लिए खूबसूरत नाम उर्दू मायने के साथ में, ये नाम एकदम नए और लेटेस्ट हैं जो आप अपने बच्चों के लिए 2023 में रख सकते हैं। 2023 के लिए नए नाम हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। ऐसे नाम अभी तक आपकी रिश्तेदारी में, आपके गाँव मोहल्ले में नहीं होंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे नाम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके पास कोई नाम है जिसके मायने आप जानना चाहते हैं, तफसील जानना चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाम है निहार। निहार नाम के मायने होते हैं दिन। नाम है फसाहत। फसाहत के मायने होते हैं खुश कलामी। नाम है तिहाम। तिहाम के मायने होते हैं मजबूत। नाम है सैयद। सैयद के मायने होते हैं सरदार। नाम है फायद। फायद के मायने होते हैं फ़ायदा और नफा। नाम है जकी। जकी के मायने होते हैं जहीन और होशियार। नाम है साहिफा। साहिफा के मायने होते हैं किताब। नाम है बकराज। बकराज के मायने होते हैं कॉफ़ी के बर्तन। नाम है इसबा। इसबा के मायने होते हैं सुबह। नाम है सकीफ़। सकीफ़ के माने होते हैं दाना। नाम है ईमान। ईमान के माने होते हैं पना और हिफाजत। नाम है ताले। ताले के माने होते हैं नशीब। नाम है गवास। गवास के माने होते हैं तैराक। नाम है यासू। यासू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम था। नाम है अयाज। अयाज महमूद गजनबी का नाम था। नाम है हिस्मत। हिस्मत के माने होते हैं इज्जत और अजमत। नाम है जमाद। जमाद के माने होते हैं लेप और दवा को नरम करके जिस्म पर लगाना। नाम है ऊद। ऊद के माने होते हैं खुशबू। नाम है जरदाद। जरदाद के माने होते हैं सोना अता करने वाला। नाम है ज़िमान। ज़िमान के माने होते हैं प्यासा। नाम है मुआज़िन। मुआज़िन के माने होते हैं बारिश वाले बादल। ये थे आज की वीडियो के नए नए नाम जो आपको पसंद आए होंगे। वैसे इनमें से आपको नाम सबसे अच्छा कौन सा लगा, हमें कमेंट में लिखकर बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे।